बच्चों आज का हमारा टॉपिक है गैल्वेनिक सेल्स और वोल्टेक सेल्स। बच्चों ये वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। और बच्चों ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन यानी रिडोक्स रिएक्शन, ये जो रिडोक्स रिएक्शन होती हैं ये स्पॉन्टेनियस रिडोक्स रिएक्शन होती हैं। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं हम स्पॉन्टेनियस रिडोक्स रिएक्शन से बच्चों, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में अपोजिट होता था बच्चों। वहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी से नॉन स्पॉन्टेनियस रिडोक्स रिएक्शन करवाते थे बच्चों, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये वो डिवाइस हैं गैल्वेनिक सेल्स जिनमें इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्टेन किया जाता है बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन टू हाफ सेल्स, टू डिफरेंट कंपार्टमेंट बच्चों, ठीक है। फ्री एनर्जी ऑफ सेल डिक्रीज एंड अपियर इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों हम इसका डेनियल्स है। बच्चों ये फ्री एनर्जी क्या होती है, किसी भी सिस्टम की वो एनर्जी जिसको आप यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे आप क्या बोलते हैं, फ्री एनर्जी। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों गैल्वेनिक सेल का, डेनियल्स है। बच्चों इस सेल में आप क्या देखते हैं, इसमें तीन मेन पार्ट होते हैं बच्चों, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एक रिडक्शन हाफ सेल और एक सॉल्ट ब्रिज। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ सेल की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसमें क्या होता है, जिंक रोड डिप्ड इनटू जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। और रिडक्शन हाफ सेल में क्या होता है बच्चों, कॉपर रोड डिप्ड इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और ये जो जिंक और कॉपर की इलेक्ट्रोड है दे आर कनेक्टेड बाय मेटेलिक वायर थ्रू द वोल्ट मीटर। अब बच्चों क्या होता है कि जो जिंक एटम है फ्रॉम जिंक रोड गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू जिंक टू प्लस आयन एंड मूव इनटू सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रॉन आर रिलीज्ड ऑन इलेक्ट्रोड, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए कहाँ जाते हैं बच्चों, कॉपर इलेक्ट्रोड पर, जहाँ पर कॉपर टू प्लस आयन सॉल्यूशन से आकर इन्हें गेन करते हैं और रिड्यूस हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। लेकिन अब आप ये देखिए कि जब जिंक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करके जिंक टू प्लस आयन बनाएंगे और वो सॉल्यूशन में आएंगे बच्चों, तो सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज होता जाएगा। और यहाँ पर क्या होता जाएगा बच्चों, जैसे जैसे कॉपर आयन खत्म होंगे यहाँ सल्फेट आयन बढ़ते जाएंगे, यानी ये सॉल्यूशन नेगेटिव चार्ज हो जाएगा रिजल्टेंट। तो क्या पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉनों को जाने देगा बच्चों, क्या नेगेटिव चार्ज वहाँ से इलेक्ट्रॉनों को आने देगा, नहीं ना। तो इसीलिए इन सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बच्चों, सॉल्ट ब्रिज का। इसमें हम इन्वर्टिव यू शेप ग्लास ट्यूब यूज़ करते हैं जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिलअप किया जाता है बच्चों इन जेली फॉर्म, ठीक है। अगर अगर और जेल तो वो क्या करता है बच्चों, वो एक तो सर्किट पूरा करेगा, सर्किट कंप्लीट करेगा, और दूसरा अपने काउंटर आयंस को प्रोवाइड करेगा इन सॉल्यूशन में ताकि ये सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज हो जाएं। जैसे अब K2SO4 है बच्चों, तो जिंक टू प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे इस बीकर में कौन से आयन मूव करेंगे, सॉल्ट ब्रिज से सल्फेट आयन। सॉल्ट ब्रिज में K2SO4 है बच्चों, और के प्लस आयन कहाँ मूव करेंगे, रिडक्शन ऑफ सेल में बच्चों, टू न्यूट्रलाइज सल्फेट आयन, ठीक है बच्चों। तो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, एक तो सर्किट कंप्लीट करना बच्चों, और दूसरा इन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। एक फंक्शन और भी होता है बच्चों, इट प्रिवेंट्स द जंक्शन पोटेंशियल ऑल्सो। ये जंक्शन पोटेंशियल को भी प्रिवेंट करता है, सॉल्यूशन सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो सकता था बच्चों उसको ये प्रिवेंट करता है बच्चों, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बच्चों जिस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं वो इलेक्ट्रोड एनोड का काम करेगा। ऑक्सीडेशन जिस इलेक्ट्रोड पे होता है उसे क्या बोलते हैं आप, एनोड। और जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है उसे आप क्या बोलते हैं, कैथोड। तो जिंक रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है बच्चों और ये एनोड का काम करेगी। द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एंड द इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक प्लेस, और ये क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे जिंक मेटल की जो रोड है वो थिन होती जाएगी और कॉपर की जो रोड है वो थिक होती जाएगी बच्चों, ठीक है। क्योंकि यहाँ जिंक लॉस कर रहा है बच्चों और यहाँ कॉपर बढ़ रहा है बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मूव कहाँ से कहाँ है बच्चों, एनोड से कैथोड की तरफ। तो करंट की मूवमेंट कहाँ होगी, कैथोड से एनोड की तरफ, ठीक है। ये तो है बच्चों सेल की वर्किंग। अब रिएक्शन कैसे लिखेंगे कि एनोड पर क्या हो रहा है, जिंक गेट ऑक्सीडाइज टू जिंक टू प्लस आयन एंड लूजिंग टू इलेक्ट्रॉन,
और कॉपर आयन क्या कर रहे हैं बच्चों, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगी, इन दोनों को ऐड करेंगे, जिंक प्लस सी यू टू प्लस चेंजिंग इन टू जिंक टू प्लस आयन एंड कॉपर बच्चों, ठीक है, ये ओवरऑल आपकी सेल रिएक्शन। तो देखिए क्या लिखा है बच्चों, इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल। बच्चों इनका नाम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल क्यों रखा गया, क्योंकि इस हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हो रहा है और इस हाफ सेल में क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल, इन ऑक्सीडेशन हाफ सेल जो मैं बता चुका हूँ आपको, जिंक मेटल इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन टू जिंक टू प्लस आयन जिंक सल्फेट सोल्यूशन। इन रिडक्शन हाफ सेल कॉपर रोड इज डिप्ड इन टू कॉपर टू प्लस आयन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड विद मेटल वायर थ्रू ए वोल्ट मीटर बच्चों। बोथ सोल्यूशन आर हैविंग इंटर कनेक्शन थ्रू द सॉल्ट ब्रिज ऑफ K2SO4। बच्चों सॉल्ट ब्रिज में हमारे पास इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ही होने चाहिए, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट नहीं होने चाहिए जो सॉल्यूशन में जाके प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करें, ठीक है, पूरी तरह से सॉल्यूबल होने चाहिए, ठीक है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में जो आयन्स होते हैं बच्चों उनके मोबिलिटी सेम होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि जैसे केटायन तो पहुंच गया अपने रिस्पेक्टिव बीकर में, एनायन बहुत स्लो स्लो जा रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। मोबिलिटी जो है वो आयन्स की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। बोथ सॉल्यूशन आर हैविंग इंटर कनेक्शन थ्रू सॉल्ट ब्रिज ऑफ K2SO4। देखो बच्चों रिएक्शन कैसे लिखेंगे, दोबारा से, इन ऑक्सीडेशन हाफ सेल एट एनोड जिंक लूजिंग टू इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म जिंक टू प्लस आयन, रिडक्शन हाफ सेल में क्या होगा, कॉपर टू प्लस आयन गेटिंग टू इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कॉपर। ओवरऑल सेल रिएक्शन ये होगी आपकी, ठीक है। इसके बाद मैंने रिटन में लिखा हुआ है बच्चों फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, वैसे मैं आपको समझा चुका हूँ, अब उसको आगे देखते हैं बच्चों। इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ टू हाफ सेल, इट कम्प्लीट द सर्किट बाई कनेक्टिंग टू हाफ सेल, और तीसरा मैंने आपको बताया था बच्चों इट प्रिवेंट द जंक्शन पोटेंशियल। बच्चों जो सॉल्यूशन सॉल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो सकता था उसे क्या बोलते हैं हम, जंक्शन पोटेंशियल, जिस जो सॉल्ट ब्रिज के कारण बच्चों वहाँ पर नहीं जनरेट हो पाएगा बच्चों, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बच्चों इसमें जो अभी हमने इलेक्ट्रोड्स देखे हैं वो मेटल और मेटल आयन का इलेक्ट्रोड था बच्चों, तो ऐसे केस में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिप्रेजेंटेशन क्या कैसे करते हैं, रिडक्शन ऑफ सेल ऑन राइट हैंड साइड एंड ऑक्सीडेशन ऑफ सेल ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। ऑक्सीडेशन ऑफ सेल कहाँ पे होगी बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में, और रिडक्शन ऑफ सेल कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे आप, राइट हैंड साइड में, ठीक है। और उन दोनों के बीच में दो पैरेलल वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, सॉल्ट ब्रिज। कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, रिडक्शन ऑफ सेल में आयंस को सेपरेट करेंगे बच्चों मेटल से बाय वर्टिकल लाइन, क्योंकि उनकी फेज अलग है बच्चों, ये सॉल्यूशन फॉर्म में है वो सॉलिड फॉर्म में, तो दोनों को अलग अलग फेज में है, तो फेज बाउंड्री हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों बाय वर्टिकल लाइन, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पे लेफ्ट में आयंस फिर मेटल, ठीक है, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन रहेगा बच्चों, जैसे हमने इसके लिए कर रखा है डेनियल सेल के लिए। जिंक से जिंक टू प्लस, पहले देखो बच्चों सॉल्ट ब्रिज के साथ आयन फिर मेटल, इधर सॉल्ट ब्रिज के साथ आयन और फिर मेटल। लेकिन अगर मान लो आपके पास कोई मेटल मेटल सॉल्ट इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है, तो उस केस में कैसे लिखते हैं बच्चों, सॉल्ट ब्रिज के साथ आयन फिर सॉल्ट फिर मेटल रिडक्शन ऑफ सेल में, और ऑक्सीडेशन ऑफ सेल में आयन सॉल्ट और फिर मेटल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन का तरीका है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों जो आज आपने टॉपिक पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए बच्चों। मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो आपका गैल्वेनिक सेल है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। और इसमें क्या होता है बच्चों, आगे आप इसके डिफरेंस भी देख सकते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जो डिफरेंस बनते हैं बच्चों, उसको आप पॉइंट टू पॉइंट डिफरेंस को आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप दोनों तरह की सेल जो है पढ़ चुके हैं बच्चों, ठीक है। जैसे डिफरेंस के तौर पे आप कह सकते हैं बच्चों, जैसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आप हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन करवाते हैं, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, आप रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवाते हैं बच्चों,
जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डेल्टा जी पॉजिटिव है, यहाँ डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव है बच्चों, ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, मेटल इलेक्ट्रोड सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, जबकि वहाँ पर क्या होता है, मेटल इलेक्ट्रोड्स बच्चों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं बच्चों। बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जब हम सेम मेटल इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे ना दो अलग अलग सॉल्यूशन में, और जब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अलग अलग रखेंगे तो उनको हम कंसंट्रेशन सेल बोलेंगे बच्चों। वो स्पेशल तरह की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होंगी, वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे बच्चों, ठीक है। और जितने भी डिफरेंस हो सकते हैं आप आराम से उनकी लिस्ट बनाएं बच्चों। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, मतलब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करें बच्चों।